क्या आप भी चाहते हैं कि दुकान पर ज्यादा ग्राहक आए? तो दुकानदारी का तरीका बदलिए, आज ही अपनी दुकान को बनाइए ऑनलाइन दुकान। अपनी दुकान की वेबसाइट बनाइए और बिजी हो जाए कॉल करें आज ही और पाइए सोशल मीडिया पैकेज बिल्कुल फ्री। ब्रेकिंग न्यूज़ के मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। खबर शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। अब आए सुर्खियों पर नजर करते हैं। खलीजी मुल्क का ऐवान मैदान जंग बन गया, अराकीन की जबरदस्त हाथापाई। यरूशलेम में इजरायली फौज और फलस्तीनियों के दरमियान झड़पों में कम अज कम 20 फलस्तीनी जख्मी। हज भवन पटना से कोचिंग याफ्ता 11 मुस्लिम खवातीन दरोगा के इम्तिहान में कामयाब। अक्वामे मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल की मीटिंग से वजीर खारजा डॉक्टर एस जय शंकर का खिताब, पाकिस्तान को बनाया निशाना। लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल को झटका, अदालत ने इस्लाहत पर अबूरी रोक लगाई। जबरी तब्दीली मजहब के मुलजमीन की जायदाद जब्त। शरद पवार ने 8 पार्टियों के कायदीन से की मुलाकात, जावेद अख्तर के साथ कई साबिक जज और अफसरान भी शामिल। अब आए खबरें तफसील के साथ, समाप्त करते हैं। खलीजी मुल्क का ऐवान मैदान जंग बन गया, अराकीन की जबरदस्त हाथापाई। क्विट वेबडेक्स कहते हैं कि इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न होता है, लेकिन बाज औकात इख्तलाफ राय इस हद तक चला जाता है कि वो हुस्न की बजाय बदसूरत और भयानक नजर आता है, जिसकी मिसाल बेशतर ममालिक के ऐवानों में होने वाले अजलासों में नज़र आती है। इसकी एक और ताज़ा मिसाल कुवैत के ऐवान बाला में देखी गई। कुवैत पार्लियामेंट ने मंगल को कौमी बजट की मंजूरी दी। इस मौके पर अरकान पार्लियामेंट के दरमियान हाथापाई की नौबत आ गई। पार्लियामानी कोर्ट को इस वक्त मदाखलत करना पड़ा जब अपोजिशन और सरकारी मेंबरान से गतम घत्ता हो गई। कुवैत जराए अबला के मुताबिक 32 अरकान पार्लियामेंट ने बजट के हक में वोट डाला, 30 मेंबरान पार्लियामेंट वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अजलास के दौरान अपोजिशन मेंबरान ने वज़रा की नशिस्तों पर कब्जा कर लिया। यरूशलेम में इजरायली फौज और फलस्तीनियों के दरमियान झड़पों में कम अज कम 20 फलस्तीनी जख्मी। मुकामी मीडिया के मुताबिक इजरायली फौज और आबादकारों के दरमियान झड़पें इस वक्त शुरू हुई जब इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेज और फलस्तीनियों ने यरूशलेम के इलाके अल शेख जरा में फलस्तीनियों पर हमला किया और एक हमसाया अरब कानून हज भवन पटना से कोचिंग याफ्ता 11 मुस्लिम खवातीन दरोगा के इम्तिहान में कामयाब। बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेंट सर्विस कमीशन BPSSC के पुलिस सब इंस्पेक्टर सार्जेंट और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के इम्तिहान में पहली मरतबा एक साथ 11 मुस्लिम खवातीन ने कामयाबी हासिल की है। खवातीन के अलावा 44 मुस्लिम मर्द उम्मीदवार भी बतौर दरोगा अपनी खिदमत अंजाम देंगे। इन तमाम उम्मीदवारों ने हज भवन पटना से कोचिंग हासिल की थी। अक्वामे मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल की मीटिंग से वजीर खारजा डॉक्टर एस जय शंकर का खिताब, पाकिस्तान को बनाया निशाना। मंगल के रोज़ पाकिस्तान की तनकीद का जवाब देते हुए हिंदुस्तान ने कहा है कि दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए और अफगानिस्तान में देरपा अमन के क़याम के लिए उनकी फराहमी को फौरी तौर पर बंद कर दिया जाए। अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में तबादला ख्याल करते हुए वजीर खारजा डॉक्टर एस जय शंकर ने सरहद पार से होने वाली दहशत समेत हर तरह की दहशतगर्दी के खिलाफ सफर रवादारी की पॉलिसी अपनाने की अपील की। लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल को झटका, अदालत ने इस्लाहत पर अबूरी रोक लगाई। केरला हाईकोर्ट ने मंगल के रोज लक्षद्वीप में डेयरी फार्म को बंद करने और स्कूलों में तुलबा को दिए जाने वाले मिड डे मील से गोश्त समेत अशिया न देने के हुक्म पर अबूरी रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस एस मनी कुमार और जस्टिस शाजी पी
चाली के बेंच ने लश्कर-ए-तैयबा इंतजामिया के इकदाम के खिलाफ कावाराटी के एक शख्स की मफाद आम्मा की अर्जी पर सुनवाई के बाद ये हुक्म जारी किया। बेंच ने अपने हुक्म में कहा कि जब तक जवाबी हल्फनामा दाखिल नहीं किया जाता है, इस वक्त तक इन दोनों असलाहत को नाफिज नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने इस बाबत मरकजी हुकूमत को हिदायत दी है कि वो जवाबी हल्फनामा दाखिल करे। साथ ही बेंच ने लक्षद्वीप इंतजामिया से कहा है कि वो इस सिलसिले में 2 हफ्ते के अंदर जवाब दायर करे। वज़ीरे के लक्षद्वीप मुस्तकिल सुर्खियों में है और वहाँ के नए एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल थोड़ा पटेल के हालिया ऐलानात से मुकामी लोगों में ज़बरदस्त नाराज़गी है। पटेल जो गुजरात के साबिक वजीर हैं, उन्होंने पहले जजीरे पर शराब की पाबंदी हटा दी थी जिससे लोगों में नाराज़गी हुई। वाज़ह रहे पटेल जिस रियासत यानी गुजरात से आते हैं वहां पर शराब पर पाबंदी आयद है। जबरी तब्दीली मजहब के मुलजमीन की जायदाद जब्त। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुबैना जबरी तब्दीली मजहब पर सख्ती का इजहार करते हुए खातियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। UPATS ने पीर को मुबैना जबरी तब्दीली मजहब करने वाले एक बड़े ग्रोह के इंकशाफ का दावा किया था। पुलिस के मुताबिक दिल्ली से चलने वाला ये मुबैना ग्रोह लोगों को पेशा, शादी और नौकरी का लालच देकर तब्दीली मजहब का काम करता है। पीर को लंबी पूछगुछ के बाद UPATS ने मुफ्ती जहांगीर आलम और मौलाना उमर गौतम को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार मुलजमीन पर 1000 से ज्यादा अफराद को जबरी तब्दीली मजहब कराने का इल्ज़ाम है। शरद पवार ने 8 पार्टियों के कायदीन से की मुलाकात। जावेद अख्तर के साथ कई साबिक जज और अफसरान भी शामिल। 8 पार्टियों के रहनुमाओं ने मंगल को दिल्ली में NCP रहनुमा शरद पवार की रिहायशगाह पर मुनक्किद मीटिंग में शिरकत की। इस कयास अराय के दरमियान मुल्क में एक गैर BJP और गैर कांग्रेस तीसरा महाज तश्कील दिया जाएगा। इसमें तृणमूल कांग्रेस, NCP, राष्ट्रीय लोकदल, CPI, CPM, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल है। इसके अलावा साबिक मेंबरान पार्लियामेंट पवन वर्मा और जावेद अख्तर, संजय झा और साबिक सफारतकार KC सिंह भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। गांव पर विचार करना चाहिए। जाहिर है हमारे देश में जो क्षेत्रीय पार्टी हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उनकी है और उनको नज़रअंदाज नहीं किया सकता है राष्ट्रीय राजनीति में। नाज़रीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जानने के लिए और भी खबरें। अब लेता हूँ मैं इजाज़त। खुदा हाफिज़।